हाय नमस्ते. टुडे आई वांट टू टॉक टू यू गाइस अबाउट अ वेरी स्पेशल कैटेगरी ऑफ पीपल. दे आर वन ऑफ अ काइंड ह्यूमन बीइंग ऑन दिस प्लैनेट एंड इफ यू अंडरस्टैंड देयर वेज यू कैन रियली हैव अ फन टाइम अराउंड देम. दे आर कॉल्ड छोड़ू. द टर्म छोड़ू इज डिराइव्ड बाय द वर्ब छोड़ और छोड़ना विच लिटरली मीन्स टू लेट समथिंग गो. But in this case, it means to exaggerate about one's deeds. So how do you identify a chodu? What makes a normal guy like you and me a chodu? Chodus have this habit of throwing around absurd bullshit in a conversation which is not even required. Let me give you an example of what exactly chodna is. अरे वो आकाश है ना? हाँ. गाड़ी ले ली उसने? मैंने भी ली थी अभी. तूने? तू बताया नहीं यार, तूने कब गाड़ी ली? पिछले हफ्ते ही लिए BMW. BMW? भाई कहाँ है, लाता क्यों नहीं है तू? बस शोरूम में खड़ी हुई है. शोरूम? शोरूम में क्यों खड़ी है बे? घर पे जगह ही नहीं है यार, कहाँ ला के रखूँ यार. मैं भी सोच रहा हूँ ऑडी किसी को दे दूँ. छोड़ू लोगों की दूसरी आदत, दे नो एवरीथिंग. एवरीथिंग मतलब इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो उनको ना पता हो. यार समझ ही नहीं आ रही यार ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? हाँ पता है मेरे को, वो H2O2 वो सब है ना? नहीं. हाँ हाँ मेरे को पता है इसके बारे में. बट तेरे पास तो कॉमर्स थी स्कूल में. पता है मेरे को. भाई मैं सोच रहा था मोहॉक रख लूँ. मोहॉक? हाँ मोहॉक. हाँ रख ले, बढ़िया कुत्ता है. भाई ये एरोप्लेन क्रैश हो रहा है, तूने बोला था ना तुझे उड़ाना आता है, कुछ कर. यार आता तो है बट अभी याद नहीं आ रहा यार कैसे क्या करते थे. अबे ये याद कर. अरे मैंने सीखा हुआ है यार, आता है मेरे को उड़ाना एरोप्लेन, अभी याद नहीं आ रहा यार. मुझे समझ नहीं आता यार कभी कभी इतना छोड़ने की क्या जरूरत है. मतलब आई मीन सीरियसली इट्स नॉट इवन हेल्थी. कभी कभी क्या होता है तुम बहुत बार झूठ बोलते 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 ना तुम यू स्टार्ट बिलीविंग इन इट एंड तुम्हें वो सच लगने लगता है एंड इट्स रियली नॉट हेल्थी. आई रिमेंबर दिस गाय इन स्कूल, ही वॉज अ नेक्स्ट लेवल फेकू. मतलब कुछ भी फेंकता था, कुछ भी यार, कुछ भी वॉज कॉइंड फॉर दैट गाय. हेलो, ओके स्वीट हार्ट, ओके, हाँ लव यू. हाँ वो जो मैंने फेडेक्स कंपनी के थ्रू मैंने एक गिफ्ट पैकेज भिजवाया ना, वो ध्यान से खोलना. हाँ ओके ओके बाय. मम्मी का फ़ोन था? अबे नहीं बे, गर्लफ्रेंड है, US में रहती है. हाँ बस अभी लास्ट वीक ही होके आया हूँ ना मैं अमेरिका से. मेरे को यार मज़ा आता है बस अमेरिका में, मतलब सही जगह है. वो क्या हुआ ना, रात में हम लोग ऐसे ही सोने से पहले दोनों बहुत बातें करते हैं, तो रात का टाइम था और उसने मुझे बोला कि भाई तुम्हारी बड़ी याद आ रही है. हिंदी बोलती है? अबे नहीं वो तो मैं तेरे लिए बोल रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश में बोलती है वो तो. हाँ तो उसने बोला बड़ी याद आ रही है, तो बस फिर क्या, पहुँच गया मैं. फ़्लाइट बुक करा ली? पागल है क्या, फ़्लाइट व्लाइट तो सब पापा करवाते हैं, मैं तो वही अपना हेलीकॉप्टर में जाता हूँ. मुझे ऐसे फ्लाइट फ्लाइट का झंझट पसंद नहीं, एयरपोर्ट जाओ ये वो, सीधा छत पे पहुँच जाता हूँ मैं. तेरा पायलट वहीं तेरे घर के पास ही रहता है क्या? अबे मैं खुद उड़ाता हूँ भाई, पायलट वायलट का झंझट मेरे से नहीं झेलता, मैं खुद ही उड़ाता हूँ. सफारी? ये सफारी कैसे घूम रही है यहाँ पे? लगता है ऑडी में पेट्रोल नहीं होगा आज. कोई बात नहीं, चलो किसी दिन सफारी भी चला ली पापा ने, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी. उसके पास अपना पासपोर्ट तक तो था नहीं, US जाऊंगा हेलीकॉप्टर में. सो व्हाट डू यू गाइस थिंक, लोग क्यों इतना फेंकते हैं? डू यू हैव सच फेकू पीपल इन योर लाइफ? प्लीज शेयर सम स्टोरीज विद मी एंड ऑल ऑफ अस, इट विल रियली बी हिलेरियस आई एम श्योर. आई रियली होप यू लाइक दिस स्मॉल लिटिल वीडियो अबाउट छोडूज एंड फेकूज, एंड if you liked it then you should hit that thumbs up button, also subscribe to my channel and share this video with someone you think would like my content, it'll really help me out. I'll see you guys again next week, till then stay safe, work hard, be happy.
हेलो डियर।